हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओलीज्वेल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे केरला और विदर्भा के बीच में होने वाले कल के पहले मैच की और साथ ही बनाएंगे ड्रीम इलेवन के लिए टीम। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे दोनों ही टीमों की प्लेइंग इलेवन जो हो सकती है और जो चेंजेस पॉसिबल है उसकी बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे हम पिच रिपोर्ट की, वेदर कंडीशन की और दोस्तों कौन सी टीम है जो मैच जीत सकती है, कौन सी टीम के प्लेयर कैसी फॉर्म में है और कौन सा प्लेयर किस नंबर बैटिंग करने के लिए आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए आपको हमारा वीडियो पूरे लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाले हर मैच के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचती रहे और आपसे देख के अच्छी टीम बना पाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले बात करें यहाँ पे वेदर की। तो दोस्तों, यहाँ पे बारिश के चांसेस तो कम है, लेकिन यहाँ पे कल तेज़ हवाएं चलेंगी और जो ह्यूमिडिटी रहेगी वो 70% और जो बारिश के परसेंटेज है वो 30% चांस की कल बारिश आ सकती है, अदरवाइज वो बारिश का कोई भी चांस नहीं है। लेकिन दोस्तों, तेज़ हवाएं चलेंगी जिससे बॉल थोड़ी और ज़्यादा स्विंग होगी, पेस बॉल होगी। फिर बात करें पिच की, तो दोस्तों ये एक एवरेज स्कोरिंग पिच है। यहाँ पे जो लास्ट के चार मैच खेले गए उसमें सिर्फ स्कोर जो है वो 132 का एवरेज है, आप देख सकते हो, जो कि काफ़ी कम है T20 के अकॉर्डिंग। और अगर दोस्तों विदर्भा पहले बैटिंग करती तो आपको थोड़ा सा 150 या 160 के आसपास का टारगेट भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि विदर्भा की बैटिंग काफ़ी अच्छी है और विदर्भा में काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर हैं। लेकिन अगर केरला की टीम पहले बैटिंग करती तो शायद आपको इससे भी कम का टारगेट देखने को मिल सकता है या फिर 140 के आसपास का देखने को मिल सकता है। और बात करें दोस्तों, जो भी टीम अगर कल टॉस जीतेगी तो वो पहले बैटिंग करना पसंद करेगी, क्योंकि अभी तक जो यहाँ पे चार मैच खेले हैं उसमें से पहले बैटिंग करने वाली ने 3 मैच जीते हैं, जबकि एक मैच पहले बॉलिंग करने वाली टीम ने जीता है, यानी चेसिंग टीम ने। तो काफ़ी इंपॉर्टेंस है अगर कल के मैच है टॉस, तो अगर जो भी टीम टॉस जीती वो पहले बैटिंग ही करेगी तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी टीम बनाएं, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प हो जाए मैच जीतने में। फिर बात करें दोस्तों केरला का स्क्वाड, तो आप देख सकते हो ये केरला का स्क्वाड है, आप जो भी टीम बनाए इसमें से बनाए ना। और दोस्तों, संजू सैमसन अवेलेबल है खेलने के लिए और कल का मैच भी खेलेंगे, क्योंकि इन्होंने लास्ट मैच भी खेला है जो कि अगेंस्ट था मणिपुर के और जीती भी थी, हालांकि इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं बना पाए। अब बात करें दोस्तों यहाँ पे परफॉर्मेंस की, पहले प्लेइंग इलेवन की बात करें तो विष्णु विनोद है, आर कुन्नुमल है, संजू सैमसन, सचिन पे भी वो विनोद, थप्पा, जलाल, सक्सेना, अजहरुद्दीन, बंसिल, थम्पी, के एम आसिफ, मिथुन और निधीश। तो ये दोस्तों कल की प्लेइंग इलेवन हो सकती है। अब फिर बात करें दोस्तों इनके इम्पोर्ट जो प्लेयर परफॉर्मेंस है, तो दोस्तों विष्णु विनोद काफ़ी अच्छे प्लेयर है, हालांकि अभी तक कोई बड़ी पारी देखने को नहीं मिली, हालांकि इनको 2 मैचों में स्टार्ट मिला है लेकिन कुछ बड़ा नहीं कर पाए। फिर कुन्नुमल की बात करें तो दोस्तों इनको भी 2 मैचों में स्टार्ट मिला है लेकिन ये भी कुछ बड़ा नहीं कर पाए। फिर संजू सैमसन ने दोस्तों लास्ट मैच खेला था और उसमें इन्होंने 12 रन बनाए थे। फिर सचिन पे भी दोस्तों अभी तक तो अच्छा करते हुए आ रहे हैं। वो अभिनव थप्पा, दोस्तों इनको आप सबको पता है कि वो अभिनव थप्पा मेडल ओडे में नहीं खेलते, लेकिन पता नहीं किस लिए ये टीम के कैप्टन होने के बाद भी ये अपने आप को मिडल ऑर्डर में ले, शायद ये कि मिडल ऑर्डर में अगर इनको हटा दिया जाए तो कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं जो लास्ट के ओवरों में रन बना पाए, तो शायद इस वजह से गोविंद थप्पा मिडल ऑर्डर में खेलें। और दोस्तों, अगर गोविंद थप्पा चाहे या फिर टीम मैनेजमेंट चाहे तो ये ओपनिंग भी करेंगे, क्योंकि अब इनके पास संजू सैमसन है जो कि इनको मिडल ऑर्डर में काफ़ी मजबूती देंगे, और सचिन बेबी दोस्तों काफ़ी अच्छी फॉर्म में और ये काफ़ी अच्छे प्लेयर भी और ये ओवर भी डालेंगे 2 से 3 ओवर, तो ज़्यादा चांस है। फिर जलाल सक्सेना दोस्तों काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, हालांकि बैटिंग से कुछ नहीं कर पा रहे, वो 3 मैचों में 5 विकेट ले चुके हैं। अजहरुद्दीन आप सभी को पता है दोस्तों, इनके बारे में बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर बंसिल थम्पी को दोस्तों 3 मैच में 5 विकेट मिला है, आसिफ को 1 विकेट मिला है सिर्फ, मिथुन को 5 विकेट मिल चुके हैं और नीतीश को भी 1 ही विकेट मिला है। तो दोस्तों अब बात करें इम्पोर्टेंस प्लेयर की, तो संजू सैमसन है, फिर सचिन बेबी दोस्तों इन्होंने 3 मैचों में 138 रन बना रखे 46 के एवरेज से। फिर बात करें रोहन कुन्नमल की, तो इन्होंने 74 रन बनाए, विष्णु विनोद 63 रन बना चुके हैं अभी तक, जलाल सक्सेना ने 5 विकेट लिए और मिथुन ने 5 विकेट। तो ये आपकी कल के मैच में टॉप पिक्स रहने वाली है। और दोस्तों, अगर आप ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो जो भी अपडेट होगी मैं टेलीग्राम पर पोस्ट कर देता हूँ, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिर बात करें दोस्तों विदर्भा की, तो ये इनका स्क्वाड है, आप देख लेना,
अब बात करें कि प्लेइंग 11 की, तो दोस्तों प्लेइंग 11 की बात करें, उससे पहले आपको एक चीज़ बता दूँ, विदर्भ ने 4 मैच खेले और 4 के 4 मैच जीती है और ये टॉप पे अभी, और ये केवला को भी आसानी से जा सकते हैं। अगर कंपेयर किया जाए विदर्भ और केवला का तो कहीं भी कंपेयर नहीं होता दोनों टीमों का। अब बात करें यहाँ पे टीम की, तो फैज फैजल हैं, अक्षय कोलार हैं, सुलभ हैं, यूसुफ राठौड़, अक्षय, जितेश शर्मा, दोस्तों जितेश शर्मा है जो वन डाउन बैटिंग के लिए आएंगे, फिस्कत, अक्षय वानखेड़े, शशिकांत वाघ, यश ठाकुर, दर्शन और अक्षय वाडकर, इनको दोस्तों लास्ट मैच में खिलाया गया था। फिर बात करें प्लेयर परफॉर्मेंस की, तो आप देख सकते हो यहाँ पे फैज फैजल अच्छी फॉर्म में, अक्षय कोलार भी ठीक अच्छी फॉर्म में दोस्तों, यहाँ पे सुलभ, यूसुफ और अक्षय, ये चारों ही दोस्तों कोई भी तीनों प्लेयर कोई भी अच्छी फॉर्म में नहीं है। फिर उसके बाद दोस्तों जितेश शर्मा की 2 मैचों में बैटिंग है जिसमें 1 में 73 1 में 18 रन बनाए इन्होंने। फिर उसके बाद अक्षय वार का दोस्तों हर मैच में विकेट निकाले, लास्ट मैच में उनको 3 विकेट मिली थी और अभी तक ये 6 विकेट ले चुके हैं। शशिकांत वाघ, श्रीकांत वाघ ने भी दोस्तों अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं। फिर उसके बाद यश ठाकुर काफ़ी अच्छी बॉलिंग करा रही है भी और 7 विकेट ले चुके हैं अभी तक। फिर उसके बाद दर्शन ने दोस्तों अभी तक सबसे अच्छी बॉलिंग की और ये 11 विकेट के साथ टीम के लीडिंग विकेट टेकर हैं। अक्षय वाडकर ने दोस्तों लास्ट मैच में कुछ नहीं किया, इसलिए इनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। अब बात करें इनकी टॉप पिक्स में, तो अक्षय कोलार जिन्होंने 154 रन बनाए, फिर फैज फैजल 117 रन के साथ, अक्षय हैं 83 रन, दर्शन 10 विकेट, यश ठाकुर 6 विकेट। तो दोस्तों ये सारे रिकॉर्ड मैंने आपको ऊपर बता चुका हूँ। अब बात करें दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन की, तो सचिन भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन है ग्रैंड लीग के लिए, फिर संजू सैमसन है, अक्षय हैं, फैज फैजल हैं, मिथुन है, दर्शन है और विष्णु विनोद। तो ये दोस्तों 6 अच्छे ऑप्शन है आपका 6-7, अगर आप इन सब में से चाहे तो किसी को भी कैप्टन बना सकते हैं, खासतौर से मिथुन को और सचिन बेबी को, इन दोनों का आप ग्रैंड लीग में जरूर कैप्टन बनाए, क्योंकि दोस्तों कल के मैच में जो कैप्टन आपको देखने को मिलेंगे उसमें आपको रोहन उथप्पा देखने को मिल सकते हैं, संजू सैमसन, फैज फैजल, अक्षय कोलार और दर्शन नालंदे और यश ठाकुर। तो दोस्तों ये आपको कल के मैच में ज़्यादातर कैप्टन देखने को मिलेंगे, बाकी जो सचिन बेबी और मिथुन है इनको बहुत कम प्लेयर हैं जो कैप्टन बनाए। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपनी ड्रीम11 टीम पे। तो दोस्तों बात करें अभी यहाँ विकेट कीपिंग में, तो यहाँ मैंने संजू सैमसन और जतीश शर्मा के साथ क्यों, आपके पास जो अच्छा ऑप्शन है वो यही दो हैं और कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है दोस्तों। फिर बात करें बैट्समैन में, तो मैंने सिर्फ 3 बैट्समैन लिए, फैजल को, सचिन बेबी और विष्णु विनोद। आपके पास एक अच्छा ऑप्शन जो है वो रोहन उथप्पा है, आप इनको जरूर ट्राई करें और दोस्तों आप ले भी सकते हैं, बल्कि आपको लेना चाहिए क्योंकि कल की जो पिच है उसमें रोहन उथप्पा काफ़ी अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। फिर बात करें तो दोस्तों इसमें अच्छे ऑप्शन नहीं है बैटिंग में। फिर बात करें बॉलिंग में, सॉरी ऑलराउंडर, तो मैंने जलाल सक्सेना को लिया और अक्षय कोलार को, आप चाहते तो अक्षय कोलार की जगह पर रोहन उथप्पा को ले सकते हो। फिर यहाँ पे आपके पास श्रीकांत वाघ एक अच्छे ऑप्शन है। फिर बात करें बॉलिंग में, तो यहाँ पे मैंने बसिल थम्पी, यश ठाकुर, दर्शन और मिथुन, ये 4 बॉलर हैं मेरे। आपके जो ऑप्शन है उसमें निधीश को जो ट्राई करें ग्रैंड लीग में और के आसिफ को, इन दोनों को दोस्तों आप सिर्फ ग्रैंड लीग में ही ट्राई करें, स्मॉल लीग में बिल्कुल भी ट्राई ना करें इनको। तो दोस्तों बात हुई टीम की, बात की कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो दोस्तों मैंने जैसे ही आपको पहले बताया कि इसमें जो सबसे अच्छी कैप्टन के लिए चॉइस है वो सचिन बेबी, क्योंकि इनकी फॉर्म काफ़ी अच्छी है, और फैज फैजल ये भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन में क्योंकि दोनों ही काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अगर आप कुछ हटके करना चाहते हैं तो यश ठाकुर, मिथुन और अक्षय कोलार और बंसिल थप, इन चारों को कैप्टन जरूर बनाए क्योंकि ये बहुत कम लोगों ने इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतने, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट मैच में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।